Welcome to my class, student. It's English Honeydew. We are doing a chapter, a short monsoon diary, and this is session 3. In this session, we will do the question answer of this particular chapter. तो आपने क्या देखा इस मॉनसून डायरी में? आपने देखा हम डायरी दो कारणों से हम डायरी यूज करते हैं. एक तो हम लोग डेली की बातें उसमें लिखते हैं, हम डेली के एक्सपीरियंसेस उसमें लिखते हैं. और किस लिए हम डायरी यूज करते हैं? हम डायरी यूज करते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स को लिखने के लिए, कि हमें कैसे अपने, जब हम अपने दिन प्लान करते हैं तो उसको हम डायरी में लिखते हैं. तो ये जो मॉनसून डायरी है, रस्किन बॉन्ड की डायरी है, लिखी हुई डायरी है, और इसमें उन्होंने मसूरी के मॉनसून डेज को उन्होंने लिखा है. तो उन्होंने मॉनसून रेन, विंटर रेन, इन सब के बारे में अपने इस डायरी में लिखा है. और कैसे उन्होंने सीक्रेट मिरेकल्स ऑफ नेचर ड्यूरिंग मॉनसून को उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने देखा, वो सब उन्होंने इस डायरी में लिखा. और हमें आज ये डायरी से पता चल रहा है कि हाँ, प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है जब मॉनसून आता है. और कैसे मिस्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया. तो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. पेज 115, कॉम्प्रिहेंशन चेक. व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बीजू? द ऑथर कुड नॉट सी बीजू बिकॉज ऑफ द मिस्ट दैट कंसील द हिल्स. तो बीजू को क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि जो मिस्ट है उसने पूरे हिल को छुपा लिया था, कंसील कर दिया था. He could hear the voice of Biju but not see him. What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? तो दो वो कौन से वेज थे जिससे लगा कि जो हिल है वो चेंज हो रहा है? When the mist comes up, the hills appear to change. तो पहाड़ी में एक चेंज आने लगा, एक परिवर्तन आने लगा. All the birds sitting on the hills fall silent. जितने भी birds थे वो सब जो चहचहा रहे थे silent हो गए. आपने पढ़ा था ठीक एक घंटा पहले, जहाँ चहचहाट थी वहां जैसे जैसे mist climb कर रहा था hill के ऊपर, तब वैसे वैसे birds ने चहचहाना बंद कर दिया. When the mist comes climbing up the hill. And when the mist comes up, it conceals not only the hills but blankets them in silence also. तो जो mist है उसने क्या किया था? पहाड़ियों को सिर्फ ढका ही नहीं था, उनको पूरा silent भी कर दिया था. चारों तरफ एक silence था, एक चुप्पी थी. Who are the seasonal visitors during rains? तो आपने चित्र के साथ मैंने पूरे images दिखाए जो जो seasonal visitors थे, आप उनको ध्यान में रखो. और यहाँ हम पढ़ते हैं, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. A leopard, a several thousand leeches. Other new arrivals are the scarlet minivets, a pair of drongos and a tree creeper. आपने देखा था ना एक चिड़िया जो इंसेक्ट खा रही है, इंसेक्टिवोरस. Now page number 117. When does the monsoon season begin and when does it end? कब ये स्टार्ट होता है, कब ये बंद होता है? How do you prepare to face the monsoon? तो द मॉनसून एंटर्स इंडिया फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ समवेयर अराउंड मिड ऑफ मे. मे के बीच में, मिड मे में मॉनसून एंटर होता है ईस्ट एंड साउथ से. इट रीचेस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अराउंड सेकेंड वीक ऑफ जून. और हमारे कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी भाग में जाते जाते ये सेकेंड वीक ऑफ जून लेता है, मतलब सेकेंड वीक ऑफ जून तक वो पहुंचता है. द मॉनसून एंड्स अराउंड सेप्टेम्बर. और वहां मॉनसून सेप्टेम्बर तक खत्म होता है. वी टेक आउट अवर रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास टू फेस द मॉनसून. तो मॉनसून को फेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें, हालांकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि बारिश में बाहर नहीं जाए, लेकिन स्कूल खुली रहती है और हमें जरूरी काम रहता है, तो हम कैसे फेस करते हैं मॉनसून को? हम अम्ब्रेलास लेते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं और मॉनसून फेस करते हैं. Which hill station does the author describe in this diary entry? In this diary entry, the author describes the beauty of the lovely hill station named Masuri. अगर आप कभी मसूरी जाओ तो प्लीज ये चैप्टर को ध्यान में वहां रखना. और इस मॉनसून सीजन में जितना भी उन्होंने ब्यूटिफुली नेचर को डिस्क्राइब किया है, आप भी उन सबको एंजॉय करना. For how many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? तो कितने दिनों तक बिना रुके बारिश हो रही थी और author इन दिनों क्या कर रहा था? It rained without stopping for 8 or
9 days. पता है उन्होंने लिखा था 8-9 दिन हो गए सूरज को हमने नहीं देखा. Since there was nowhere to go, the author paced in his room and looked out of the window at a few bobbing umbrellas. तो बाहर जाने को कुछ था नहीं, बाहर बारिश हो रही थी, सब जगह सन्नाटा रहता है बारिश में, आपको पता है. तो ऑथर अपने ही रूम में ही रहे थे और बाहर विंडो के बाहर देख रहे थे. क्या दिख रहा था उनको? फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, थोड़े अम्ब्रेलास दिख रहे थे जो मूव कर रहे थे, क्योंकि लोगों के हाथों में अम्ब्रेला रहते हैं. तो जैसे जैसे लोगों लोग मूव करते अम्ब्रेलास भी मूव करते. वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर? वाई द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम रेन वॉटर. What did the author receive in the mail? तो author को क्या मिला था? The author received a check in the mail of some amount. बहुत छोटा amount था, लेकिन उन्होंने वो mail, वो check उनको मिला था और वो बहुत खुश थे. और उसके पहले उन्होंने छछुंदर देख लिया था, तो दादी माँ ने बोला था कि छछुंदर देखने से पैसा आता है, तो उनको भी एक check मिल गया था and he was happy. It is the last day of August and the last monsoon growth has reached its peak. Explain. आपने देखा था ये लाइन थी, द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड. तो क्या हुआ था, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था? जो कोबरा लिली के जो सीड्स थे वो लाल हो गए थे, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि हाँ बारिश अब बंद होने वाली है. इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो. जो फर्न्स थे जो ग्रीन थे अपराइट थे वो येल्लो हो जाएंगे. बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट. अपने कोबरा लिली का आपने इमेज देखा था. ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉव लेडी स्लीपर एंड अ वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर. आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी ग्राउंड ऑर्चिड की, मॉव लेडी स्लीपर की और वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड की. तो ऐसा लग रहा था उस सब फैशन में अपने निकली है वो, अपने 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 रूप को वो दिखा रही है डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर. और लैंडोर के ग्रासी स्लोप्स में उनका फैशन शो चल रहा है. वाइल्ड डहलियाज रेड येलो एंड मैग्नेटा. तो जितने भी जंगली जो डालियाज फूल है वो रेड है, येलो है, मैग्नेटा कलर के है. रेयर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रिविसेस वेयर दे हैव टेकन होल्ड. और चट्टानों के होल से ये सारे जो वाइल्ड जो आपके डालिया फूल है वो निकल रहे हैं और दिखाई पड़ रहे हैं. नाउ पेज नंबर 118, वर्किंग विद द टेक्स्ट. लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24 टू 25, ऑगस्ट 2nd एंड मार्च 23. नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन प्रोग्रेसेस फ्रॉम जून टू मार्च. तो डायरी पढ़कर आपको इसको दिखाना है कि कैसे रेन प्रोग्रेस हो रहा था. June 24 is the first day of monsoon mist. The hills are concealed by the mist. It blankets the hills with a cover of silence. आपने पढ़ा था, स्टोरी में है. The real monsoon shower comes on June 25. The whole nature welcomes it. The first cobra lily lures its head from the ferns. तो पहली कोबरा लिली फूल ने अपने अपना सिर उठाया, lures its head from the ferns. By August 2, the people become weary of the monsoon. क्यों? बहुत बारिश हो रही थी. There is no storm, no thunder, just a steady tropical downpour. People keep in their houses and enjoy the sound of raindrops falling on their roofs. Snakes and rodents take shelter in roofs, attics and godowns. March 23rd heralds the end of winter. The sky starts to become clear after hailstorm. And a rainbow starts forming in the clear sky. One can enjoy this sight of rainbow which shows the beauty of nature. So, March 23 में थर्ड को रेनबो, बट इवन एज आई राइट आई कैन सी रेनबो फॉर्मिंग. उन्होंने इसी लाइन से डायरी का वो चैप्टर जो है वो खत्म हुआ है. तो लोगों ने रेनबो देखा और वो ब्यूटी ऑफ नेचर, मिरेकल ऑफ नेचर वो भी एक है. Why did the grandmother ask the children not to kill the chichundar? The grandmother asked the children not to kill the chichundar because it was considered lucky. She said it brought money. What signs do we find in nature which show that the monsoon are about to end? Nature में क्या क्या sign आने लगते हैं, क्या क्या nature दिखाने लगता है बताने के लिए कि monsoon का अंत आने वाला है.
वाइल्ड बाल्सम डालियाज विग्नोइस एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स बिगिन टू अपीयर. ये सारे फूल आने दिखने लग जाते हैं. द सीड्स ऑफ कोबरा लिलीज आर टर्निंग रेड. दीज साइंस शो दैट द मॉनसून्स आर अबाउट टू एंड. अब देखो ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है. बीजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज ऑफ द मिस्ट इन द सराउंडिंग्स. द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन अटैकिंग वन ऑफ बीजूज काउस but had to flee when Biju's mother came screaming curses. The minivets are easily noticed because of their bright colors. It looks like a fashion display on the slopes when ground orchids, mauve lady slipper and the white butterfly orchids bloom. तो इस तरह से आपने कंप्लीट द सेंटेंसेस किया. ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स बिकॉज दे हैव बीन फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज. दे हैव बीन फ्लडेड. वो पानी जब चला जाता है उनके होल्स में बरोज में तो वो बाहर निकल आते हैं. So what have we learned today? We have learned how to write the answers of the questions that is given in your chapter. Go through the questions answer, write it down, and so in the exam you can write it properly. In the next session I will do working with language of the same chapter. Thank you.